Good morning student, welcome to Shri B.A. Memorial Academy online platform. आज मैं आपको number line सिखाऊंगी. Number line कैसे बनाते हैं, क्या कहाँ पे कौन से digits आते हैं, ये देखते हैं अपन. Number line सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीधी line बना लेते हैं. ठीक है, एक सीधी line बना दी. सबसे पहले बीच में क्या आता है, zero. सबसे पहले बीच में क्या आता है, zero. ठीक है, zero की इस तरफ हमेशा क्या आएंगे, positive. और जीरो के इस तरफ हमेशा क्या आएंगे, नेगेटिव. जीरो के इस तरफ हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव. और जीरो के इस तरफ हमेशा क्या आएंगे, नेगेटिव. तो ये क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, आगे कितना भी बढ़ सकता है ये. ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और ये माइनस फाइव. ठीक है, ये हो गया अपनी नंबर लाइन. अब अपन इसके ऊपर नंबर लोकेट कैसे करते हैं. सबसे पहले ये देखें कि जीरो जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा. पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होगा, जीरो छोटा होगा. और नेगेटिव नंबर से जीरो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा. क्या होगा, बड़ा होगा. नेगेटिव नंबर भले ही माइनस फोर है, पर जीरो और माइनस फोर अगर लेते हैं तो जीरो हमेशा क्या होगा, माइनस फोर से बड़ा होगा. तो नेगेटिव नंबर से जीरो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है. और पॉजिटिव नंबर से जीरो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग. अब अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास एक क्वेश्चन है, लोकेट टू ऑन नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे अपन को टू बताना है कहाँ पर है. तो टू कहाँ पर है, पहले सबसे पहले देखो इसके आगे कोई साइन लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है. कहीं साइन नहीं होता है तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है. मतलब अपन को क्या ढूंढना है, प्लस का टू कहाँ पर है. तो प्लस का किधर होगा, इधर होगा. तो जीरो वन टू, टू ये रहा, तो इसको अपन क्या कर देंगे, बोला. ठीक है, ये क्या हो गया अपना, अपन ने इसको क्या कर दिया, लोकेट कर दिया. अगर यही क्वेश्चन अपना आता, लोकेट माइनस टू और नंबर लाइन, नंबर लाइन लोकेट माइनस टू और नंबर लाइन. अगर माइनस टू लोकेट करना है अपन को, तो माइनस टू लोकेट कैसे करेंगे. माइनस टू किधर होंगे, जीरो के इस तरफ. माइनस टू किधर होगा, जीरो के इस तरफ होगा. जीरो के इस तरफ हुआ तो क्या हो गया, जीरो माइनस वन माइनस टू. ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये माइनस टू. ठीक है, ये हो गया माइनस टू. अब देखो अगर अपन को बोलता है क्वेश्चन में, अगर अपन को क्वेश्चन बोला गया कि लोकेट 1.5 ऑन नंबर लाइन. अपन को 1.5 बनाना है नंबर लाइन पे. अगर मैं इधर पंजी को नीचे बनाती हूँ, नंबर लाइन पे क्या बनाना है अपन को, 1.5 जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर. ठीक है, 1.5 बनाना है. तो 1.5 किस किस के बीच में आएगा, वन के और टू के बीच में. वन के और टू के बीच में आएगा 1.5. तो कैसे आएगा, देखो वन टू थ्री फोर और फाइव की बड़ी लाइन, सिक्स सेवन एट नाइन और ये टू. ठीक है, तो 1.5 बनाना है. तो देखो 1.1 1.2 1.3 1.4 और ये वाली वन में क्या हो गई, इसकी 1.5 क्या हो गई, 1.5. आया समझ में, एक बार आपको से देखो. अब क्वेश्चन में आया है अगर अपन ने कि लोकेट 1.5 ऑन नंबर लाइन. अगर अपन को 1.5 निकालना है नंबर लाइन के ऊपर, तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन 1.5 कैसे निकालेंगे, अपन ने नंबर लाइन बना दी. ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि नंबर लाइन पे 1.5 आपका किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में आता है, वन और टू के. वन से ज़्यादा है और टू से क्या है, कम है. वन और टू के बीच में आता है. वन और टू के बीच में कैसे आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर. हर नंबर के बीच में कितनी लाइनें होती है, दस लाइन. वन टू थ्री फोर, फाइव वाली लाइन बड़ी.
सेवन एट नाइन, ठीक है। 1.5 कौन से होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। अगर हम आपको बोल देते लोकेट माइनस टू पॉइंट फाइव अगर तो लोकेट करना हो तो क्या करेंगे, ये माइनस का 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये 2.5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। माइनस का 2.5 क्या हो गया, ये वाला माइनस का 2.5 क्या हो गया, ये वाला माइनस का 2.5, ठीक है। ये हो गया अपना नंबर लाइन। डेसिमल में कैसे लोकेट करते हैं, अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपको होमवर्क करना है, आप होमवर्क करके आना, करना। 6 - 3 - 4 - 8 - 10, ये सब आपको नंबर लाइन पे बनाने हैं। और एक देखना 1.4 - 2.6 - 3.6 - 4.2, ये सब आप नंबर लाइन पे बना के आना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे इसके। थैंक यू।